जो बलात्कार हुए वहाँ पर 1990 में जो हिंदू लेडीजों को स्तन काट के जो बीच रोड पर फेंक दिया गया, तब तक 20-20 दिन बलात्कार करते हुए जाली मानसिकता रखने वालों ने 200 बंदों ने बलात्कार कराए लेडीज के साथ। वो कहाँ गई मीडिया, उसकी बात क्यों नहीं करी? 6-6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था वहाँ पे, जिसे एजेंसियाँ मैं अवेंस में देने के लिए तैयार हूँ। आज भी वो कश्मीरी पंडित दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो मैं वो बात करूँगा कि सीबीआई जाँच हो रही है और 1990 से निर्संघात की सीबीआई जाँच हो। सुकन्या देवी जो बलात्कार हुआ था 2006 में, उसकी भी सीबीआई जाँच हो और उसके माता पिता कहाँ है उसकी भी सीबीआई जाँच हो। पार्टी नहीं देश है पहले, तो पार्टी की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे देश की। किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, और भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन्नाव के अंग्रेज की बात चल रही, उन्नाव के अंग्रेज की बात चल रही थी। अच्छा हुआ जो विधायक आरोपी था वो बंद हुआ, लेकिन जो एमपी में अहमद जो कांग्रेस का विधायक है उसने रेप कर रखा है, 10,000 का इनाम है, वो फरार चल रहा है। कांग्रेस उसकी बात क्यों नहीं कर रही? विपक्षी दल सिर्फ उन जगहों की बात क्यों कर रहे? कठुआ की बात कर रहे तो 1990 की बात नहीं करो आप। जो कठुआ में जिन लोगों का जो लोग शामिल है उन्हें फांसी होने चाहिए, उन्नाव वालों को फांसी होने चाहिए। तो 1990 में जो सरकार बैठी थी जिनका समर्थन मिला उन लोगों को भी फांसी होने चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। इस देश का पढ़ा लिखा वर्ग, युवा वर्ग जागा है। जातिवाद या धर्म के आधार पर तोड़ने की कोशिश मत करो। जो चीज़ कठुआ में गलत था वो चीज़ सासाराम में भी गलत था। बच्ची दोनों जगह थी, दोनों जगह बलात्कार हुए थे। एक